विश्वविख्यात ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी बारसूर के युगल गणेश हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग नए मंडप बना रहा है, लेकिन युगल गणेश प्रतिमाओं की प्राचीनता और महत्व को अनदेखा करते हुए हाट बाजार की तरह टीन की छत का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण का स्थानीय नागरिकों सहित प्रत्येक आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक विरोध कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि मंडप पर किसी प्रकार से बनाए जाए कि आगंतुक श्रद्धालुओं को प्राचीन मंदिर में आगमन की अनुभूति हो और जैसे प्राचीन काल में मंदिर हुआ करते थे, उसी तरह गणेश मंदिर का निर्माण हो और लोहे के खंभे की जगह पत्थरों के खंभे बनाए जाएं। गणेश जी का मंदिर है जो बेसिकली वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अभी वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ बातें सामने आई और इस संदर्भ में जो है ASI से बात करूँ और उनकी क्या नॉर्म्स हैं और वो निर्माण कार्य क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फायदे और नुकसान हैं और इसके आधार पर आगे जो है अग्रिम जो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर तीन सेट निर्माण नहीं होगा जब तक हम लोग अपने पुरातत्व विभाग को एक आवेदन पत्र जारी कर रहे हैं। हम लोग का आवेदन पत्र जारी होने के बाद वो लोग उनका निर्णय ये रहेगा कि नहीं, हम लोग टीन सेट बनने नहीं दिया जाएगा गांववासी की तरफ से। इसीलिए हम लोग गांववासी की तरफ से हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस स्थान का जो दूर दूर तक जो प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि को बरकरार रखने के लिए मंदिर बनाई जाए, ये टीन सेट है सेड वेट नहीं बनाया जाए, इसका हम भी विरोध करते हैं। मंदिर है तो मंदिर इसका पुराना जैसा ढांचा था वास्तव में वैसे ही बनाया जाए